हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेशु त्यागी और एक बार फिर हाजिर हूँ आपके फेवरेट शो चखिए तो जरा में। आपको बता दूँ कि सीपी में फूड फेस्टिवल लगा हुआ है और वेज से लेकर नॉन वेज जो सारी वैरायटी है वो आपको यहाँ पर मिल सकती है। इसके साथ ही दिल्ली के जो स्टॉल हैं वो तो यहाँ पर लगे हुए हैं, दिल्ली के बाहर बाकी जो राज्य के स्टॉल हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं। बनारस का जो पान है वो आप यहाँ पर आकर खा सकते हैं। इसके साथ ही बिहार के जो लिट्टी चोखा है उसका स्वाद आप चख सकते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की। और इस वक्त मैं सबसे पहले पहुंची हुई हूं दिल्ली के ही स्टॉल पे। आपने कई बार जो दिल्ली में मशहूर चाट है वो खाई होगी, इसके साथ ही आपने छोले भटूरे खाए होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपने दिल्ली की जो है वो खाई होंगी जो फेमस चीज़ें हैं। लेकिन पहली बार मैं सुन रही हूं यहां पर दौलत की चाट। दौलत की चाट क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, सबसे पहले वो यहाँ पर पूछते हैं। आपसे जानना चाहूँगी किस तरह से चाट है दौलत की। ये दूध, क्रीम, बूरा, खोया, केसर, पिस्ते से बनती है। ये सिर्फ सर्दी सर्दी में मिलती है, ये दीपावली से होली तक मिलती है जी। सिर्फ चांदनी चौक में ही मिलती है दौलत। पहली बार जैसा कि मैं सुन रही हूँ कि दूध में जो दूध को मिक्स करके दूध के अंदर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और बाकी चीज़ें डाली जाती हैं, दौलत की चाट जो है वो बनाई जाती है। क्या क्या आप मिक्स करते हैं इसमें वो भी बताइए। दूध, क्रीम, बूरा, खोया, केसर, पिस्ते से बनाई जाती है दौलत की। इसका दाम आपने क्या रखा है? 50 रुपीज़। तो क्या डालते क्या इसमें? 50 रुपीज़। बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको चक्कर देख रहे हैं। यहाँ पर आपने अभी अभी एक दौलत की जो चाट है वो खाई है, आपसे जानना चाहूँगी कैसा टेस्ट। बिल्कुल बहुत टेस्टी है, जैसे लाइक मक्खन, मक्खन के अंदर खोया वगैरह डाला हुआ है, एकदम डिफरेंस है। आपने कभी पहले और कहीं खाई है ये? कानपुर में खाई थी मैंने, तो कभी कभी चांदनी चौक जाता हूँ तो वहाँ खाता हूँ। और भी बहुत सारे लोग हैं लेकिन अभी इन लोगों ने ये चाट खाई नहीं है, तो इनसे तो हम पूछेंगे जब ये लोग चाट यहाँ पर खा लेंगे। 50 रुपये की प्लेट है, आप भी आ सकते हैं, चख सकते हैं, थोड़ा टेस्ट करा के दिखाइए। ये ऊपर से क्या डाला है आपने इसमें? केसर, पिस्ता, बादाम, ड्राई फ्रूट्स इसमें सारे डाले जाते हैं। और जैसे कि चांदनी चौक में ये मिलती है लेकिन मैंने पहली बार ये ली है, पहली बार मैं इसको खा रही हूँ। अब आपको चक्कर बताती हूँ कि आखिर इसका स्वाद कैसा है। 50 रुपये की प्लेट है, जैसा कि उन्होंने अभी बताया कि सिर्फ सर्दी के मौसम में ये मिलती है, तो आप इसको आके खा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और मुझे जैसा लग रहा था कि ये शायद काफ़ी ठंडा भी होगा, इसको देखने से लग रहा था, लेकिन ठंडा बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल है। तो सर्दी के टाइम पे आप इसको खा सकते हैं और काफ़ी टेस्ट। खाई के पान बनारस वाला, जी हाँ, हम पहुंच गए हैं इस टाइम बनारसी देसी पान की दुकान पे। आप देख सकते हैं बनारसी देसी पान वैसे तो पूरी दुनिया में ही मशहूर है, देश भर में क्या दुनिया में मशहूर है, और इस पर कई गाने भी फिल्माए गए हैं, कई फिल्मों में दिखाया गया है पान को खाते हुए। और खास तौर पर अगर बात करी जाए बनारसी पान की तो वाकई उसके कहने ही क्या है। बनारसी पान तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो बनारसी पान है वो बनाया जाता है। थोड़ा जानना भी चाहेंगे यहाँ पर हम कि किस तरह से इसकी रेसिपी है, कैसे ये बनाया जाता है। आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरह से पान बनाया जाता है। पान जो है ये सारे मसाले से तैयार किए जाते हैं। ये हमारे पास सारे हैं, हमारे चॉकलेट पान का भी है और ये मीठे पान है, सारे तैयार किए जाते हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो है शाही पान है, ड्राई फ्रूट पान है, मगही पान बनारस का फेमस होता है, एक महुआ का पान आता है, महुआ कलकत्ते का भी पान है, सब इसमें सारे मिक्स करके अलग अलग या मीठे पान के ज़्यादा शौकीन होंगे। वैसे तो पान हर जगह ही बनाए जाते हैं लेकिन जो बनारस का पान है वो फेमस होता है, तो क्या खास बात होती है वो आपसे जानना चाहते हैं। ये खास बात ये है कि यहाँ पान जो है बनारस के लिए बहुत ही कम लोग मतलब बनारस के अच्छे खाने वाले हैं, और यहाँ मगही पान जो है बड़ा फेमस है वहाँ का, मगही पान। हाँ,
वहाँ बहुत छोटा पत्ता होता है, गर्म पान होता है। मकर पान में क्या कुछ स्पेशल डाला जाता है, क्या कुछ वैरायटी? पान की कीमत है उसकी, पान जो अच्छा होता है उसको खाने से जो है थोड़ा गैस जो है खत्म हो जाती है, पान खाने से गैस खत्म हो जाती है पान से। तो बनारस का जो पान है उसमें कौन सा सबसे फेमस पान है वो तो यहाँ पर आपको बता ही दिया, लेकिन जो पान खाने के लिए पहुँचे हैं यहाँ पर उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनको जो पान है वो कितना अच्छा लगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, आपने अभी तक पान खाया? अभी तक तो खाया नहीं। चलिए तो आप पान का स्वाद चक्कर देखिए, आप ये पान लीजिए और कुछ और लोग हैं मेरे साथ, आप पान खा रहे हैं, आप बताइए कैसा स्वाद है पान? ऐसा पान का स्वाद मैंने आज तक कहीं नहीं खाया है, मतलब मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ टेस्ट करी हैं पर पान सबसे अच्छा है। अब पान खा चुके हैं आप, अब बताइए कि कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, बहुत अच्छा, पर अभी तो बुरा नहीं जा रहा मुझे, पर काफी टेस्टी है। बहुत टेस्टी है, वो आपका फेस देख के यहाँ पे समझ में आ रहा है कि बहुत टेस्टी है। आप भी चखिए देखिए, फिर आपसे पूछेंगे कि कैसा लगा आपको पान। इंतजार शायद हमें यहाँ करना पड़ेगा क्योंकि मुंह में पान है, अभी बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। काफी बड़ा साइज है, काफी स्वाद है, अच्छा है, वाली कष्ट है पर बड़ा बहुत है, ताकि मुंह में फिट नहीं आ रहा। अब आप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पता चल गया। तो जो बनारस का पान है अगर उसका स्वाद आप लेना चाहते हैं, आप भी खाना चाहते हैं, तो बनारस जाने की आपको जरूरत नहीं है, दिल्ली में आइए, दिल्ली में बनारसी देसी पान की दुकान है, वहाँ पहुँचिए और बनारस का जो पान है उसका स्वाद जरूर चखिए। हालांकि मैंने अभी स्वाद नहीं चखा है, तारीफ इतनी कर रही हूँ, भैया जरा पान चखाइए। बहुत टेस्टी है, बहुत ही अच्छा है, चलिए भाई। तो मैंने तो पान खा लिया, आप लोगों से भी यही बोलूंगी कि इस दुकान पे जरूर आइए और पान का स्वाद जो है, जो पान खाने वाले हैं वो तो आए, जो नहीं खाते हैं वो भी आइए खा के देखिए, अच्छा लगेगा। तो बनारसी पान खाने के बाद मैं पहुंची हूँ इस टाइम बिहार के मिस्टर लिट्टी वाला के पास, लिट्टी चौखा ये बना रहे हैं और बहुत ही खुशबू जो है वो यहाँ पर अच्छी आ रही है, देसी घी की मुझे यहाँ खुशबू आ रही है। आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे बनाते हैं आप लिट्टी चौखा? इसको आटा बोलते हैं, आटा को चने के सत्तू को स्टफ करते हैं, इसमें चने के सत्तू स्टफ करने के बाद कोयले पे, लकड़ी के कोयले पे इसको सेक करते हैं, रोस्ट करते हैं, रोस्ट के करने के बाद इसको देसी घी में डालते हैं। ये आलू बैंगन टमाटर का चोखा बना हुआ है, सरसों का चटनी बना हुआ है और सलाद बना हुआ है, इसको देसी घी में डाल करके चोखे के साथ चटनी डाल करके इसको खाते हैं। दीपक यहाँ पर ये भी दिखाइए कि किस तरह से जो लिट्टी चोखा है जो आटे से बनाया जाता है और उसको फिर उसको सेका जाता है, हाथ नहीं जलता इसमें आपका? हल्का जलता है, हल्का जलता है, उसके बाद भी आप ही काम कर रहे हो? करना ही पड़ेगा, अच्छा लगता है करने में। चलिए, तो पहली बार मैंने किसी से ये सुना है कि हाथ जल रहा है लेकिन उनको अच्छा लगता है ये काम करने में। हम यहाँ टेस्ट भी करना चाहेंगे लेकिन उससे पहले कुछ लोग हैं यहाँ पर जो ऑलरेडी टेस्ट कर रहे हैं लिट्टी चोखा जो है, उनसे जानना चाहेंगे, आपसे मैं जानना चाहूँगी कैसा आपको इसका स्वाद लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने पहली बार खाया है और शायद मैं इसी को खाने के लिए यहाँ पे इतनी दूर से आई हूँ, मैं द्वारका में रहती हूँ जी, लेकिन मैं यही खाने के लिए आई हूँ। तो आप बिहार से हैं कि दिल्ली से? यूपी से हूँ। यूपी से हैं और खास तौर पर जो बिहार का व्यंजन है उसको चखने के लिए आप? आपसे भी जानना चाहूँगी, बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्टी है, मैं भी द्वारका में रहती हूँ, वहीं से आए हम लोग खाने के लिए। इतना अच्छा है, दूसरी प्लेट अभी खा सकते हैं कि नहीं? ज्यादा नहीं खाया जाएगा क्योंकि ऑयल भी है ना इसमें, बहुत ऑयल है इसलिए, घी जो भी घी है इसलिए ज्यादा, लेकिन स्वाद काफी अच्छा है। तो
लिट्टी चोखा जो है उसका स्वाद यहाँ जैसा कि इन लोगों का कहना है कि काफी अच्छा है, और ये लोग यूपी से हैं, दिल्ली में रहते हैं, लेकिन जो बिहार का स्पेशल व्यंजन है लिट्टी चोखा, बिहार के जो लोग हैं जाहिर से की बात है वो तो लिट्टी चोखा के बारे में जानते ही हैं, लेकिन जो यूपी के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, बहुत ज़्यादा इसकी रेसिपी नहीं जानते। तो रेसिपी भी हमने आपको बताई है कि किस तरह से जो लिट्टी चोखा है उसको आप बना सकते हैं। अभी अभी हमें जैसे बताया मिस्टर लिट्टी वाला ने, और आप जरा टेस्ट करा के दिखाइए हमें भी, जितनी तारीफ यहाँ पर लोग कर रहे हैं तो देखना चाहेंगे कि कितना लजीज है ये व्यंजन। आप लोगों को साफ बता दूं कि मैं तो यहाँ पर प्योर वेजिटेरियन हूँ, नॉनवेज यहाँ नहीं खाती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नॉनवेज पसंद करते हैं। सबसे पहले हम आलिया हमारे साथ हैं, आलिया आपसे जानना चाहूँगी क्या क्या वैरायटी आपके यहाँ। हमारे यहाँ चिकन मलाई टिक्का है, और स्पेशली यहाँ पे हरीस है जो हैदराबादी है, और यहाँ पे चिकन तवा है, और चिकन बिरयानी है, चिकन मलाई टिक्का है, चिकन रोस्टेड है। वैसे नॉनवेज में बहुत सारी आइटम्स हैं यहाँ पे ऑलवेज, और जो लोग ज़्यादातर, जैसे आपने बोला कि आप नॉनवेज नहीं लेते हो, आप प्योर वो हो आप नहीं लेते हो बिल्कुल भी, तो उन लोगों के लिए स्पेशली हमने खीर रखी है, तो जो लोग खीर खाते हैं उनके लिए। और स्पेशली यहाँ पे ये लच्छा पराठा एंड ये शीरमाल है, और ये मिल्क रोटी है जो नॉनवेज से अलग है। तो आलिया ने तो यहाँ पर बताया कि क्या क्या नॉनवेज में यहाँ इनके यहाँ स्पेशल मिलता है, लेकिन मुझे नॉनवेज में क्या स्पेशल है ये जब तक मैंने खाया नहीं तो बता नहीं सकती हूँ। खीर यहाँ पर ज़रूर टेस्ट करूँगी, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग जो यहाँ पर खा रहे हैं उनसे यहाँ जानना चाहूँगी नॉनवेज में कि उनको क्या कुछ पसंद आ रहा है। आपसे जानना चाहूँगी पहले कैसा आपको लग रहा है नॉनवेज। मैम ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है, मैंने सब जगह खाना खाया है, मैंने सब जगह खाना खाया है, मगर मैम इस तरह का बिरयानी मैंने खाया ही नहीं पहले कभी। मैम बहुत ज़्यादा लजीज है, बहुत ज़्यादा चटपटी है, और मैम बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अच्छी यही लगी मेरे को यहाँ पे। मैंने सब जगह ट्राई कराया खाना, मगर मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लगा। मैं तो ये कहूँगा मैडम, जो भी यहाँ पर सबसे पहले आए तो यही चीज़ खाए, खाने में टेस्टी भी है और बहुत लजीज भी है। पूरे फेस्टिवल में जितनी भी जगह पे हमने खाना खाया है इससे बढ़िया खाना हमें नहीं मिला है, और प्लीज़ जो भी आए सबसे पहले खाना खाए यहाँ का। यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें, मगर हमें बिरयानी सबसे ज़्यादा पसंद आई यहाँ की, जो है बहुत ही टेस्टी है। आप भी ये खा के देखिए, बहुत मज़ेदार चीज़ है। मैं तो नॉनवेज नहीं खाती हूँ जैसा कि सभी लोगों को पता है, अभी अभी मैंने बताया, लेकिन आपने इतनी तारीफ कर दी है कि मेरे मुंह में पानी जरूर आ गया है। चलिए ठीक है, आप अपनी इतनी तारीफ कर रहे हैं शॉप की, इस स्टॉल की, तो मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि जिन लोगों को नॉनवेज पसंद है वो यहाँ पर आ सकते हैं, नॉनवेज का जो टेस्ट है वो ले सकते हैं। और आलिया यहाँ पर खीर लिए खड़ी हुई है मेरे लिए, खीर मैं जरूर टेस्ट करके आपको बताऊंगी कि खीर कैसी बनी है। बहुत टेस्टी खीर है, आपसे जानना चाहूंगी खीर में क्या क्या मिक्स करते हैं। खीर के अंदर तो ड्राई फ्रूट डालते हैं, और खोया डालते हैं, और दूध से बनती है, और बहुत बेस्ट बनी हुई है, और इसमें जितना भी ड्राई फ्रूट है वो कूट कूट के भरा हुआ है। कितना टाइम लगता है आपको खीर बनाने के लिए? कम से कम 2 घंटे लगते हैं इसको सही तरीके से एक रूप में लाने के लिए। जो हमारे दर्शक है उनको भी बताइए इसका रेट आपने यहाँ पर क्या रखा है, एक कुल्हड़ का कितना प्राइस है? 50 रुपीज रखा है हमने, और ये मेरे ख्याल से यहाँ पे पूरे मेले के अंदर कहीं भी नहीं है जैसा हमारे पास बना हुआ है। चलिए तो नॉनवेज के बारे में हमने आपको बताया, आप यहाँ पर आ सकते हैं, नॉनवेज का जो टेस्ट है वो ले सकते हैं, इसके साथ ही जो खीर है, खीर का जो स्वाद है वो भी आप चख सकते हैं। जैसा कि अभी अभी मैंने खीर खाई, आपको बता दूं कि बहुत ही टेस्टी है, और इसका जो प्राइस है वो 50 रुपए रखा गया है। तो आइए और खीर का स्वाद जरूर लीजिए।